नमस्कार, सशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। आज देखिए एक न्यू नाश्ता लेके आई हूँ, बॉयल आलू से बना हुआ नाश्ता, बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए मैंने आलू ले लिए हैं, आधा किलो के करीब आलू हैं। इसको मैंने बॉयल करके छील लिया है और छील के और इसको ग्रेट कर लूँगी। देखिए इसे इसको ग्रेट कर लेती हूँ आलू को। देखिए आलू को ऐसे ग्रेट कर ले रहे हैं और कद्दूकस से पूरा ग्रेट कर ले रहे हैं। पूरा ग्रेट हो चुका है ये। अब इसमें मैं देखिए क्या क्या मिलाऊंगी। मैं थोड़े से इसमें देखिए अमचूर पाउडर मिलाऊंगी और ये प्याज और ये हरी मिर्च काट के रखी हुई है और इधर मैंने ये अदरक भी ग्रेट की थी और ये प्याज मिला दूंगी इसमें और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी क्योंकि रेड चिली नहीं डालूँगी। और सॉल्ट डाल दूँगी, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और भुना हुआ जीरा डाल दूँगी। खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें भुना जीरा डाला है। और इधर मेरे पास ये है चावल का आटा, ये 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा जो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी बाइंडिंग लगने के लिए। और इसको मिक्स करते हैं इसमें। मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था हाथ में और ये थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दी हूँ ये और थोड़ा ये धनिया हरा। और ये बिल्कुल डो तैयार हो गया है हमारा। ये देखिए डो पूरा तैयार है ये तो। ये देखिए और इधर मैंने क्या लिया है, थोड़ा सा ये मैदा ली हुई है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें मिर्च डाल के इसकी स्लरी बना लूँगी इसको डिप करने के लिए। इसको इस तरह से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। ये मैदा है ऐसे लगा लेंगे ऐसे और एक दो ऐसे आप उठाएंगे ऐसे। आप चाहे गोल जो भी आकार देना चाहें उसको दे सकते हैं। देखिए मैं पान के आकार दूंगी इसको, इसको दबा दूँगी इस तरह पान का कर देके। ये देखिए इस तरह से देखिए देखने में भी अच्छा लगेगा और अभी तलेंगे तो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह मैं अपने सारे अभी ऐसे ही कर लेती हूँ। सारे बन गए हैं ये आलू के। ये आलू का नाश्ता बहुत अच्छा, देखिए कैसे बनाया है। ये शेप आप कोई भी दे सकती हैं। यहाँ मैंने ये मैदा डाल के स्लरी बनाई है और उधर मैंने ब्रेड क्रम्स ताज़े अभी बनाए हैं। 2 ब्रेड को मिक्सी में पीस लीजिए और ये ब्रेड क्रम्स बन जाता है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको इसमें डिप कर दूँगी ऐसे करके, देखिए। उसके बाद फिर इसमें ये कैसे इसी तरह से मैं दूसरा भी डिप कर दूंगी।
आप ब्रेड क्रम बना के भी रख सकते हैं स्टोर करके, और ताज़े भी बना सकते हैं। मैंने इधर ऑयल डाल दिया कढ़ाई में अपनी, और गैस का मीडियम है, और इसमें से करके डाल देंगे। एक बार में जितने आए उतने डालिए। थोड़ी देर 2 मिनट पड़ा रहने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। से थोड़ा थोड़ा से लटा पलटी करके सीख लेंगे। तो ये देखिए, और इसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। इस तरह से करिए तो जो भी ऑयल होगा निकल जाएगा। देखिए कितने बढ़िया सीखे हैं। इसी तरह से मैं ये और डाल दूंगी। देखिए मैंने बना के रखे हैं। सारे सीख गए हैं ये, और बहुत ही अच्छे ये बने हुए हैं। ये देखिए कुरकुरे हैं, देखिए। और मैं अभी आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ओके, नाश्ता तैयार है। और ये देखिए, अगर देखेंगे तो बहुत ही, देखिए इतने बढ़िया है। इस तरह से आप देखिए, बहुत ही टेस्टी बनाई है। एक बार बनाइएगा ज़रूर इस तरह से, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग। इसकी फ़ोटो ऐसे लो।